श्री स्वामी नारायण भगवान की जय। मंदिर को काफी आधुनिक शैली में भव्य तरीके से डिजाइन किया गया है। दोस्तों आज पूरी दुनिया में भारत की वाह वाह हो रही, लोग तारीफें कर रहे हैं भारत की डिप्लोमेसी की, भारत के बढ़ते हुए कद की। Not bad. मुल्क की सियासत इस वक्त बहुत ज्यादा दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी है। तेरा क्या होगा कालिया? आज हम जो है पूरी दुनिया के सामने मजाक बन गया है कि पाकिस्तान के अंदर कॉमेडी जारी है। तेरे तो एल लग गए। लगभग 800 सालों से हमारे पूर्वज यही सुनते आ रहे थे, आज ये मंदिर टूट गया, आज वो मंदिर टूट गया, आज ये मंदिर टूट गया। छोटे मोटे मंदिरों की तो बात तो क्या ही करें, बड़े बड़े मंदिर भी टूट जाया करते थे। लेकिन ये प्रभु की माया है या चमत्कार ही समझ लीजिए कि भगवान श्री राम का हमारा मुख्य मंदिर भी हमें मिल गया। और यही तो इस्लामी मुल्क है, जहाँ से इस्लाम बना, चला, जहाँ से फैला, जहाँ पे इस्लाम की जड़ें सबसे ज्यादा गहरी है, वहीं पे एक हिंदू मंदिर बन गया। सारे देशवासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। मोदी जी हैं यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नयान के पास और उन्होंने उनको थैंक यू बोला है। थैंक यू वो बैप्स स्वामीनारायण मंदिर है उसकी जमीन देने के लिए और परमिशन देने के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है वहाँ के हिंदुओं के लिए, हम लोगों के लिए भी बहुत बड़ी बात है कि यूएई की सरजमीन पे एक इतना भव्य, इतना विशाल, इतना सुंदर मंदिर बन रहा है। इस दफा पाकिस्तान में कुछ अनोखे ही इलेक्शंस हो गए हैं। हाँ। सारे मिल गए, हमको पागल बना रहे के बच्चे। पाकिस्तान में जो चुनावी सरगर्मियां हैं वो और बढ़ गई हैं। क्यों, क्या हुई? लेकिन कोई भी जमात इस वक्त हुकूमत बनाने के मूड में नहीं है। एक तरफ तो भारत के इस्लामी मुल्कों के साथ संबंध मजबूत बनते जा रहे हैं, दूसरा इस्लामी पाकिस्तानी जमहूरिया मुल्क इलेक्शन होने के बाद अभी तक ये तय नहीं कर पा रहे कि पाकिस्तान का पीएम कौन बनेगा। तो पाकिस्तानियों को इतना टेंशन करने की जरूरत नहीं है, मैं बता देता हूँ, जो पाकिस्तान आर्मी चीफ चाहेगा वही पीएम बनेगा। अभी इस रेस के अंदर सबसे आगे कोई चल रहा है तो वो है शहबाज शरीफ। मिल रहा माल रोड पे निकल आइए, कह रहे पूरा पाकिस्तान बंद करेंगे। पुलिस इस वक्त कोई भी पुलिस स्टेशन में नहीं है, आवाम को रोक रही है। इलेक्शन तो आवाम के गले पड़ गए हैं, मुल्क बंद हो रहे हैं। इंतखाबात के बाद अब सिलसिला जारी है जोड़ तोड़ का। रात को जो हारा हुआ था सुबह को वो जीता हुआ हो गया है? और जो जीता हुआ था वो सब हार गया। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? सरियन गद्दारी है कौम के साथ, ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और अभी तो रुको, मोदी जी यूएई में एक और कमाल करके आए। और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि बहुत जल्द मोदी जी ने अनाउंस कराया है कि यूपीआई से आप यूएई से पैसा लेन देन कर सकते हैं डायरेक्टली। तो कोई डॉलर वॉलर कहीं से भेजने की जरूरत नहीं है, बटन दबाया टक यूपीआई चलेगा। तो हाल फिलहाल में उन्होंने अनाउंस करा था कहां का? श्रीलंका का और मॉरिशस का। उसके पहले और देशों का अनाउंस, यानी कि धीरे धीरे मोदी जी जहां जा रहे हैं मोदी जी इंश्योर कर रहे हैं कि भारत की सॉफ्टवेयर वहां पे। दोस्तों इसको ना सॉफ्ट पावर भी कहते हैं। देखा मोदी जी का कमाल। जिस वक्त तक आप ये धांधली करेंगे, इस वक्त धांधला हो गया ना। और कमोबेश तमाम इंतखाबात में हारने वाले का बयानिया एक ही रहा कि हमारे साथ धांधली हो गई, हमारे साथ धोखा हुआ। हम क्या तो धोखा हुआ? हमने आगे शेर को डाला फिर जाके बल्ला ले गया। हमारा बल्ला किधर है? सवाल का जवाब दो तुम। लास्ट वार्निंग। शेर को सदर बना रहे हैं बिलावल भुट्टो वजीर आजम। हमारे लिए जो मर्जी बने। हमारे चार सूबों को लेकर जो जाए। पांच है। मैं कब हो गया ये? पांच है मेरे, 36 है। इंडिया भी हमने छोड़ना नहीं है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? वो इंडिया के दर से आ गया। लगता ये पागल हो गया। वोट अफगानिस्तान में क्या कर रहे हैं? रिजल्ट लेने गया हुआ है। राम राम बोलेंगे, पाकिस्तान को पहलेंगे। ऐसे नहीं चलेगा। इन पाकिस्तानियों को एक तो पहले तो पीएम नहीं मिल रहा है। पीएम वैसे भी इन पे मुसल्लती होते हैं, इन पे जबरदस्ती थोपे जाते हैं, लेकिन उसके लिए भी इन पाकिस्तानियों में कश्मकश चल रही है, मारकाट चल रही है, रोडों पे हंगामे हो रहे हैं, जेल भरो आंदोलन चल रहे हैं, पूरी अफरा तफरी मची हुई है लाहौर के अंदर। तो इसका भी मजा लेना बनता है भाई, बनता है। तो बिना देर के चलते पाकिस्तान। आज सारी दुनिया को पता है कि किसको वोट पड़ा है। सबको भाई, अमेरिका को पता चल गया किसको वोट पड़ा है। पूरी दुनिया को पता चल गया। और जिस वक्त तक आप ये धांधली करेंगे, इस वक्त धांधला हो गया ना। चार दिन लगे रिजल्ट बदलने में। ये होगा नहीं इंसान, ना उनका वजीर आजम बनेगा ना उनका बनेगा। चार दिन हो गए, आवाम तक रही है वजीर आजम कौन है। हाँ जी, नहीं बन रहा ना इनसे। वो कह रहे हमारा बनाओ, वो कह रहे हमारा बनाओ। ये तो चले गए हैं 90 की दुहाई में। बिलावल भुट्टो का वजीर आजम देखना चाहते हो? नहीं नहीं, उसको बनना चाहिए। ज्यादा बारिश आएगा, ज्यादा पानी आएगा।
मैडम साहब सी बात है, क्या बात है कि आज कैदी नंबर 804 इतना वोट लेके गया कि सारी पार्टी मिलकर उनकी पीछे वोट बना रहे, जेली वोट पूरा नहीं हो रहा। जिंदगी में पहली बार, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार कौम अपने हक अदा कर चुकी है। कैदी नंबर 804 जेल में खुश है, कल भी उसने भाई कैदी नंबर 804 को छोड़ो, नई डील आ गई है। बिलावल भुट्टो कहते हैं मुझे वजीर आजम बनाओ, नवाज शरीफ को सदर बनाओ, हुकूमत बनाते हैं। मैं तो साफ बता दूं, बिलावल भुट्टो 54 सीट्स लेके गई है, तो वो 54 सीट्स लेके गए, वो भी चोरी करके कराची में लेके गए। अच्छा। तो कल जमात इस्लामी के हफीज नईम रहमान ने खिताब किया कि मुझे जबरदस्ती जितवाया, APTI का हक था मुझे जबरदस्ती जितवाया, तो उसने PTI को दे दिया। सारे छोड़ दे, कोई नून लीग छोड़ दे, कोई PTI छोड़ दे, अपने हक के लिए फैसला कर दे, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए फैसला कर दे। अच्छा, ये जमहूरियत नहीं है, ये जो डीली हो रही है, आपसे बात करेंगे। बिलावल भुट्टो को वजीर आजम देखना चाहते हो? हरगिज नहीं। नहीं, क्या मसला है? बेचारा सही तो हैंडसम भी है, अच्छी उर्दू भी बोलने लगता है। हम तो नवाज शरीफ को पसंद करते हैं। तो नवाज शरीफ के साथ भी कोई खड़ा नहीं ना आ रहा बेचारा, चार दिन हो गए, कभी एक पार्टी की मिन्नतें कर रहा है, कभी दूसरी की। आगे PTI आ रही है, आगे PTI वोट के हिसाब से, आगे नवाज शरीफ भी तो नहीं ना आ रहा। नहीं, आगे वोट के हिसाब से आगे PTI आ रही है। हाँ जी, वो काफी ऊपर जा रही है, लेकिन PTI की गिरफ्तारियाँ शुरू होगी, रोडों के ऊपर पुलिस निकल आई है, गोलियां चल रही है। कल इधर ललियानी में हुआ, ऐसे फायरिंग हुई है, मेरे पास वीडियो मौजूद है, कल ललियानी में ऐसे फायरिंग हुई है, उन्होंने नवाज शरीफ की गाड़ी उन्होंने चोड़ चोड़ के नारे लगाए हैं, जो नून लेके आया इधर, मुझे कोई टेंशन नहीं किसी की, उन्होंने चोड़ चोड़ के नारे लगाए, उसमें उन्होंने फायरिंग कर दी है, मेरे पास वीडियो मौजूद है अभी मोबाइल में। लेकिन हड़तालें हो रही हैं, क्या ये आवाम चाहती है? जबरदस्ती बनाया जा रहा है, हमने अपना हक अदा किया है, हमें क्रिकेट, मैं कसूर से हूँ, मैंने कसूर जाके वोट डाला है, मैंने क्रिकेट में डाला है वोट हमारा, उन्होंने हम वो बल्ला ही छीन लिया, दे दिया, लेकिन हमने खुद जाके देखा कि हमारे PTI का क्या निशान उन्होंने दिया। एक बंदा लाहौर में रहता है, उसका वोट अफगानिस्तान में, आप बताएं। जा रहे हैं, जिन्होंने हक अदा करना है वो जाके डाल रहे हैं, कोई मसला नहीं ऐसा, लेकिन हमने अपना अफगानिस्तान में क्या कर रहे हैं पता नहीं, अब ये क्या सिलसिला, मेरा तो पहली दफा वोट आया, मैंने कर्जा लेने गया हुआ है, कर्जा लेने वोट तो कर्जा लेने गया हुआ है, साफ सी बात है। अगर वोट हमारे साथ धोखा हुआ, हम तो धोखा हुआ, हमने आगे शेर को डाला, फिर जाके बल्ला ले गया, हमारा बल्ला किधर है? शेर भी तो वजीर आजम का जवाब, सवाल का जवाब दो तुम, क्या बस लास्ट वार्निंग, ये बंदा क्या कह के चला गया, क्या कह रहे हो? आवाम से पूछो, शेर को सदर बना रहे हैं बिलावल भुट्टो वजीर आजम, हमारे लिए जो मर्जी बने हमारे चार सूबों को लेकर जो जाए, पांच है। मेरे 36 है, इंडिया भी हमने छोड़ना नहीं है, लास्ट बार में इंडिया के दर से आ गया, अपना पाकिस्तान संभालना नहीं जा रहा, इंडिया के 36 सूबे ये लेगा, अनोखे नहीं इलेक्शंस हो गए इस दफा, अच्छे खासे अनोखे हो गए हैं, यहाँ तक कि आवाम हमारी जो है ना इंतहा परेशानी में मुब्तला है, और ना तो कोई मतलब के इनके लिए कोई फैसिलिटी बताई जा रही है, और बस नारे, और यही कहा जा रहा है कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, आवाम करती है, लेकिन हमें कोई जो है ना इस पे रिस्पांस नहीं अच्छा मिल रहा। PTI माल रोड पे निकल आई है, कह रहा है पूरा पाकिस्तान बंद करेंगे, पुलिस इस वक्त कोई भी पुलिस स्टेशन में नहीं है, आवाम को रोक रही है। मैडम वो इसलिए रोक रही है ना क्योंकि इन सब लोगों को अपनी अपनी पड़ी हुई है, आपके सामने जो है ना मीडिया वाले वो कह रहे हैं कि जी नून लीग आ रहा है, PTI वाले कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं, ये जो है अपना बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं हम आ रहे हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता चल रहा आवाम को कि आ कौन रहा है। पूरा वीडियो देखने के बाद तो मैं बोल सकता हूँ इन पाकिस्तानियों का कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता भैया, कुछ भी नहीं हो सकता, 0% संभावना है। ये ऐसे रोएंगे, ऐसे चीखेंगे, ऐसे बिलबिलाएंगे, और आप और मैं ऐसे ही आनंद लेते रहेंगे। मुझे खुशी इस बात की है कि मंदिर तो बना है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि UAE के अंदर बना है, वो UAE की धरती पे बना है, उसका इनॉग्रेशन करके कौन आया? मोदी जी। विधर्मियों को नींद नहीं आएगी, सो नहीं पाएंगे 4-5 दिन तक, खाना अच्छा नहीं लगेगा इनको, ऐसा काम कर दिया मोदी जी ने। खैर, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन आप ही का है, आप भी अपने विचार रख सकते हैं, आप भी आजाद है, आपको भी संविधान ने अभिव्यक्ति की आजादी दी है, और हाँ मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ शेयर जरूर कर दिया कीजिए भाई साहब, और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ ना तो बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाइए। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।